नमस्कार, सीरियस भारत में आप सभी का स्वागत है। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली, जिसे हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं, रोशनी का एक खूबसूरत त्यौहार जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान के विजय का प्रतीक है। ये त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन धनतेरस धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस पर खरीदारी के लिए सही चीज़ों का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर आपके धन धान्य में वृद्धि करें। ये दिन खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इस दिन सही चीज़ों की ही खरीदारी करनी चाहिए। ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस के दिन करने से बचना चाहिए। धनतेरस का दिन हिंदू परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी धन समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्वागत करने के लिए कुछ नया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको बता दें कि धनतेरस पर आप सोने चांदी बर्तन झाड़ू सोने के सिक्के या वाहन भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस दिन कुछ चीजें खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कांच के बर्तन। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या किसी भी कांच की चीज को खरीदना नहीं चाहिए। ये घर में नकारात्मकता लाता है और शांति और खुशहाली को बाधित करता है। काले रंग की वस्तुएं। इस दिन काले रंग की वस्तुओं जैसे कपड़े या अन्य चीजें खरीदने से बचें। इसके बजाय हल्के और शुभ रंगों जैसे सफेद या पीला खरीदना बेहतर होता है। लोहे की वस्तुएं। धनतेरस पर लोहे की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे को भारी और ठंडा माना जाता है, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। तेज धार वाली चीजें जैसे चाकू कैंची आदि तेज धार वाली वस्तुएं खरीदने से बचें। ये चीजें घर में उथल पुथल और कलह का कारण बन सकती है। पुरानी या इस्तेमाल की गई चीजें। धनतेरस पर केवल नई चीजें खरीदें, पुरानी या सेकेंड हैंड चीजें खरीदने से बचें, क्योंकि ये नकारात्मकता लाती है। ऐसे में आप भी धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से बचें, ताकि आपके घर में खुशियां और समृद्धि का वास हो सके और कुबेर जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दीपावली का त्योहार आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।